नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको यहाँ पे कमोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। देख सकते हैं टॉयलेट वाला एरिया है, यहाँ पे पहले इंडियन सादा सीट लगा हुआ था जिसको कैंसिल करके अभी यहाँ पे कमोड लग रहा है। अभी दरअसल यहाँ पे क्या है, पेशेंट हैं इमरजेंसी में, यहाँ पे ये लग रहा है कमोड। तो आज मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा यहाँ पे कमोड जो है किस तरह से इंस्टॉल होगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये नए प्लम्बर के लिए, क्योंकि नए लड़कों के लिए एक एक स्टेप जो है ना पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए कमोड यहाँ पे है, हिंडवेयर का है, अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए कमोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कमोड के साथ में दोस्तों देखिए ये कमोड का ये कवर है हिंडवेयर का। और अब कमोड को फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पे एक वाशर मिलता है, रबर वाशर। देखिए गिट्टी स्क्रू मिला है, ब्रेकेट मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये स्क्रू है, देखिए गिट्टी मिला है, स्क्रू मिला है मोटा वाला 3 इंच का। और देखिए यहाँ पे ये ब्रेकेट है। तो नए प्लम्बर कन्फ्यूज होते हैं कैसे ये इंस्टॉल होगा। कवर मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके। कवर देखिए इसका यहाँ पे है, ये अलग है और ये वाला कुछ इस तरह से है। और कवर को फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पे नट बोल्ट दिया हुआ है, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। कवर को फिट करने में भी प्रॉब्लम होता है जो नए लड़के होते हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले कमोड को फिक्स करेंगे, और साथ में यहाँ पे सिस्टम भी लगाना है, सब कुछ जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। कमोड को फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पे कमोड का पॉइंट दिख रहा है, पाइप को कट करना है। लेबल कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, कितना कट करेंगे पाइप को आप कैसे। देखिए ये कमोड दिखाई दे रहा है, और अभी मैं बताऊंगा ये जो है इसका प्राइस क्या है, कितने में मिलेगा आपको। देखिए इसका जो आउटलेट है ये कवर वाला है, देखिए यहाँ पे ढका हुआ है। जो ओपन होता है दोस्तों, ओपन आउटलेट वाला जो कमोड है EWC ना, वो काफ़ी गंदा होता है, यहाँ पे दिखाई देता है पाइप में जब आप डालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आउटलेट देखिए यहाँ पे है और ये पूरा कवर्ड हो जाएगा। अब फिक्स करते समय नीचे आपको किसी भी तरह का वाइट सीमेंट आपको नहीं लगाना है, देख सकते हैं। देखिए कमोड ये है, अब मेजरमेंट आपको कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाइप आप कितना काटेंगे मेजरमेंट यहाँ से करना आपको, ये वाला जो सर्फेस है ये सर्फेस से मेजर करेंगे। अभी देखिए ये जो है ना, ये पूरा टोटल 1 इंच अंदर आ रहा है इस सर्फेस से, ये वाला जो पॉइंट है ये 1 इंच अंदर है। और अभी 1 इंच जो है ये घुसेगा भी, 1 से ज़्यादा 2 इंच घुसेगा पाइप के अंदर। तो टोटल कितना कट करना है, लगभग आपको कम से कम 2 इंच करना है। देखिए 1 इंच ये सरफेस और 1 इंच ये टाइल्स वाले सरफेस से 2 इंच ऊपर पाइप को कट करेंगे। पाइप को मैं कट कर दिया हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना मैं कट किया हूँ, वो आप देख लीजिए। अब फिक्स करने के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे इसके ऊपर रख के। मार्किंग कैसे करना है, पहले देखिए इसके ऊपर वाशर रख लेंगे, इस तरह से रख लिया। अब कमोड रखेंगे, पानी डाल के लीकेज सबसे पहले चेक करना है। अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर मार्किंग करना है, और अगर लीक कर गया तो फिर सेट करेंगे, उसके बाद मार्किंग करेंगे। देखिए मेरे केस में मार्किंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, होल भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। देखिए होल यहाँ पे हो गया है, और एक होल देख सकते हैं आप यहाँ पे है, बिल्कुल सही है, मैंने लीकेज चेक किया। आपको लीकेज चेक कर लेना है तभी मार्किंग करना है। देखिए कमोड में जो होल है ना, वो देखिए साइड में है, दोनों साइड में रहेगा। इस साइड भी देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है साइड में, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे फिक्स होगा। देखिए साइड में यहाँ भी है, और इस साइड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कमोड के ऊपर दोस्तों बॉक्स के ऊपर जो MRP है वो 6,500 रुपये है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मुझे जो है ये मिला है 4600 रुपये का। डिस्काउंट जो है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वाल प्लग लग गया है, अब यहाँ पे ये जो ब्रेकेट है ना इसको टाइट करेंगे। टाइट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रू है ना, इसको वाशर लगा के यहाँ पे रख के टाइट करेंगे, और ये जो है यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट और राइट होगा। देखिए इस तरह से साइड मार्किंग जो आपने किया होगा ना, जैसे यहाँ पे कमोड हम रखेंगे ना साइड मार्किंग में, तो इसको थोड़ा सा अंदर ही रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं रखना है, नहीं तो जब कमोड आप रखेंगे ना तो इसके ऊपर आके ये टकराएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकेट को मैं पूरा टाइट कर दिया, देखिए पूरा फुल टाइट है, ये कमोड पूरा आपका प्रॉपर टाइट हो जाएगा। नीचे किसी भी तरह का वाइट सीमेंट आपको नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे दरअसल इतना सारा जो होल दिया हुआ है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि जब आप कमोड यहाँ पे रख देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। अब इतना सारा होल जो है ना, वो इसका बेनिफिट ये है कि जब आप स्क्रू टाइट करेंगे ना, तो किसी भी होल में आके ये लग सकता है। अब ये ब्रेकेट पूरी तरह से टाइट है, कमोड को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, पानी डाल के लीकेज को चेक करना है, अगर लीक नहीं करता है तो फिर इसको टाइट कर देंगे।
देखिए कमोड को मैं बिल्कुल अपने उसी सही जगह पर रख दिया हूँ, प्रॉपर ये फिट हो गया है यहाँ पे। अब इसमें पानी डाल के लीकेज को आपको चेक करना है, अगर लीक नहीं करता है तो फिर स्क्रू से कमोड को फिक्स कर देंगे। ये देखिए पूरा 10 लीटर पानी यहाँ पे डाला हूँ मैं, लीकेज अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं है। ये जो हल्का सा पानी गिरा है ये ऊपर से गया हुआ है, तो अभी बिल्कुल सही है मेरे केस में। अब मैं इसको टाइट करूँगा। फिक्स करने के लिए ये दोनों स्क्रू को टाइट करेंगे, दोनों साइड में बहुत सारा होल है, किसी भी होल में ये जाके टाइट हो जाएगा। टाइट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये वाशर देता है, साथ में मिलता है, इसको इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड में इस तरह से अब टाइट करेंगे। अब देखिए कमोड को मैं पूरा टाइट कर दिया, ये कमोड पूरी तरह से फिक्स है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना ये सेशन लगाएंगे, यहाँ पे इसके पीछे जो फ्लश है वो लगाएंगे, उसके बाद कवर को लगाना मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सिस्टम जो है देखिए यहाँ पे है, हिंदवेयर का है। देखिए बॉक्स पूरा खाली है, पूरी तरह से अनबॉक्स हो गया है। अब नीचे यहाँ पे कवर दिया हुआ है सिस्टम को टाइट करने के लिए। देखिए एल बैंड इसी पे टाइट होगा। अब यहाँ पे इसको फिक्स करना, सबसे पहले दो साइड आपको होल मिलेगा, राइट में भी और देखिए लेफ्ट में भी। आपको जिस साइड जैसे आपका मान लीजिए पॉइंट एंगल वाल जो है अगर राइट में है तो राइट पॉइंट देंगे, देखिए मेरा वहाँ पे ऊपर राइट साइड में है। अगर आपका पॉइंट लेफ्ट में है तो इसको ये वाला ग्रिप उखाड़ के यहाँ पे लगा देंगे और जो पॉइंट है वो यहाँ पे लगेगा। तो अभी मेरे केस में ये दाएं साइड में है तो इधर ही लगेगा ये देखिए। और दोनों तरफ टाइट करने के लिए दिया हुआ है, ये जो बाल है ना आपका ये वाला यहाँ भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। सब कुछ बताऊंगा मैं, लेबल सेट करना भी आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह से इसमें लेबल आप सेट करेंगे। दो वाशर होता है, एक अंदर लगेगा, देखिए अंदर है, एक बाहर से लगेगा। देखिए यहाँ पे बाल को मैं फिट कर दिया, ऑन ऑफ इसी के जरिए होगा। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट एल बैंड है, ये लगेगा कमोड में। और यहाँ पे देखिए इसके साथ में ब्रेकेट मिलता है फिक्स करने के लिए, वारंटी कार्ड है, उसके बाद मार्किंग वाला पेपर है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका वारंटी कार्ड है और ये जो है देखिए ये मार्किंग करने के लिए दिया है, बहुत ही आसान है। अगर नए प्लम्बर हैं तो मार्किंग इसको कर सकते हैं। देखिए एक मार्किंग यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसको बस फोल्ड कर लेना है आपको। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे, बहुत ही ईजी है। उसके बाद एक ये वाशर है, इसको आपको यहाँ पर लगा लेना है नहीं तो लीक करेगा पानी। देखिए यहाँ पर लगा दिया और देखिए ये दोनों ब्रेकेट है, इस पर आपका सिस्टम हैंग होगा। उसके बाद देखिए दो स्क्रू है टाइट करने के लिए। उसके बाद ये देखिए फ्लशिंग के लिए जो कमोड के पीछे आउटलेट है ना उसमें ये लगेगा। अब देखिए सबसे पहले ये वाशर है, अब वाशर इसमें लगेगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये कवर है, इसको यहाँ पे इस तरह से डालना है। अब ये वाशर को यहाँ पर लगा लेंगे, देखिए इसको यहाँ पर लगा दिया। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, टाइट करेंगे। मार्किंग करने के लिए देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटर मार्किंग करना है, पहले आपको इसी पे हम स्क्रू को फिक्स करेंगे। देखिए ध्यान रहे आपका ये जो सिस्टम है ना ये पूरी तरह से सीधा होना चाहिए, किसी भी तरफ लेफ्ट और राइट झुका हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही ये अप डाउन होना चाहिए। सिस्टम को सीधा रखने के बाद जो मार्किंग हमने सेंटर वाला किया था ना उसी के सामने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। एक ये जो अपना 45 mm आ रहा है ये, मार्किंग देखिए मेरा हो गया। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 6 mm के ड्रिल बिट से होल करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेकेट को मैं लगा दिया पूरी तरह से। अब सिस्टम को इसके ऊपर हैंग करेंगे। देखिए यहाँ पे सिस्टम भी हैंग हो गया, कमोड भी पूरी तरह से लग गया है। कवर फिट करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए कवर यहाँ पे है, ये पैड नीचे वाला और ये कवर है, दोनों को आपस में यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये दो नट बोल्ट है कवर को फिट करने के लिए और ये कवर है जो कि यहाँ पे लगेगा लेफ्ट और राइट, और ये सपोर्ट है, इसको रख के उसके बाद इसको इस तरह से लगाना है और टाइट करने के लिए ये चाबी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसको यहाँ पे रखा इस तरह से और ये वाला इसमें डाल के आपको प्रेस कर देना है। देखिए लग गया,
और ये वाला यहाँ पे लगेगा। अब ये ऊपर का ये कवर है, कवर को इस तरह से खोल लेना, देखिए खुल गया। अब ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा, देखिए लगने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे जेट भी फिट करना है, तो जेट को साथ में लेंगे, ये फिक्स करने के लिए सबसे पहले ये जो जेट है ना, जेट को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये बोल्ट है, दो वाशर है, रबर वाशर, एक नीचे लगेगा और एक ऊपर से लगेगा। देखिए ये जेट है, जेट जो है वो हमेशा नीचे लगता है, अभी जो है ये टेम्परेरी में लग रहा है। सही तरीका उसका नीचे ही फिट होता है, ये जो है अगर इसमें डर रहता है पीछे कट लगने का। अब देखिए कमोड पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये देखिए जेट में यहाँ पे लगा दिया, पहले जो बटरफ्लाई आया था उसको मैं रिटर्न किया, क्योंकि ये कवर जो है फिट नहीं हो पा रहा था, गैप आ रहा था, यहाँ पे इस तरह से ओपन हो रहा था। देखिए अब चिपटा वाला जेट है, आपको जो भी पसंद हो और जो यहाँ पे सेट हो रहा वो आप लगाएंगे। देखिए जेट और कमोड और यहाँ पे देखिए सिस्टम पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। फ्लस करके इसका प्रेशर मैं दिखाता हूँ। लेबल अगर आपको सेट करना है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे, देखिए, और यूज करने का भी तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अभी पानी यहाँ तक भर चुका है, ये देखिए सिस्टम में, इधर दिखाइए, देखिए पानी यहाँ पे भर गया है। फ्लस करता हूँ मैं, देखिए फ्लस किया, प्रेशर आप देख सकते हैं भरपूर है, किसी भी तरह का यहाँ पे कचड़ा होगा पूरा ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पानी फ्लस किया था और खाली हुआ था, ऑटोमेटिक भरना स्टार्ट हो गया है। देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अब धीरे धीरे जब ये भरता हुआ ऊपर आएगा ना, तो देखिए ये बाल उठ रहा है, इस तरह से उठ रहा है, और देखिए अभी ये कट हो गया है, तो पानी थोड़ा सा कम भर रहा है। लेबल अगर आपको सेट करना है तो यहाँ से कम ज़्यादा आप करेंगे। जितना लेवल मैं सेट किया था वहाँ तक पानी भरने के बाद यहाँ ये कट हो गया। देखिए ये जो स्क्रू है इसको लूज टाइट करेंगे तो लेवल कम ज़्यादा होगा। अभी देखिए यहाँ तक पानी भरने के बाद ये कट हो गया है। अब इसका कवर में लगा देता हूँ, देखिए कवर को लगा दिया। अब यूज करने का तरीका मैं बताता हूँ, देखिए यूज कैसे करना, अगर यूज में नहीं है साफ सफाई करना है तो दोनों पैड को उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से साफ सफाई किया, उसके बाद इसको ढक देंगे। किसी को आना है टॉयलेट के लिए तो देखिए दो पैड में से ये है बैठने वाला पैड, इसके ऊपर बैठना है, गलती से भी यहाँ पे नहीं बैठना है, तो देखिए जेट अगर बाहर निकला हुआ तो पीछे आपके कट लग सकता है। बैठने वाला पैड ये है, अब यूज में नहीं है तो फिर इसको इस तरह से ढक देंगे। देखिए जेट कैसे ऑपरेट करना है, अभी देखिए सब इमरजेंसी में तत्काल व्यवस्था हुआ है, देख सकते हैं CPVC पाइप के जरिए बाहर बाहर ये फिटिंग हुआ है। जेट को ऑपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे एंगल वाल के जरिए यहाँ पे जेट ऑपरेट होगा। देखिए ऑन किया, प्रेशर को आप एंगल कॉक के जरिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे, आपको जितना प्रेशर चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए प्रेशर को मैं यहाँ पे कम कर दिया हूँ, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हेल्थ फ्यूसेट से फ्रेश होना है तो देखिए यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट भी लगा है, देखिए प्रेशर आप देख सकते हैं। इस तरह से टाइल्स का वाल धोने में, फर्श धोने में और ये कमोड को साफ़ करने में और ख़ुद को फ्रेश होने में भी ये काम में लिया जा सकता है, इसलिए हेल्थ फ्यूसेट देना ज़रूरी है। देखिए कोई आता है पेशाब करने के लिए तो इसके ऊपर कोई पेशाब करके चला जाता है कमोड के ऊपर ही, ठीक है। तो अगर आपको बैठना है तो बैठने से पहले इसको क्लीन करेंगे, देखिए जेट से, उसके बाद इसको यूज करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ये कमोड और ये सिस्टम इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी आज मैं आपको एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।